हर जगह का अपना एक ऐतिहासिक महत्व होता है। तो आज हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक जगह पर आए हुए थे जो भंडारा जिले से 40 किलोमीटर दूर बसा हुआ है, जो दुर्गा भाई के डोक के नाम से जाना जाता है। ये जगह अपने सात भाई एक बहन की कहानी के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस जगह पर सबसे पहले आपको माँ दुर्गा का मंदिर नजर आएगा। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको दुर्गा माता जी की सुंदर सी प्रतिमा के दर्शन होंगे। दोस्तों, दुर्गा बाई के डो में एक कहानी बहुत ही फेमस है और ये फेमस की तौर पर यहाँ पे एक मूर्तियाँ कुछ रखी गई है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम जानते हैं। यहाँ पे कोई हमको मिलते हैं क्या, उनसे इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। यहाँ पर सात भाई और एक बहन की प्रतिमा स्वरूप मूर्तियाँ बनाई गई है। हम इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ अभी यहाँ पे जो घूमने आए थे लोकल लोग, वो दिखे और वहाँ यहाँ की इंफॉर्मेशन बताने वाले कि इसकी एक्चुअल कहानी क्या है। माझे नाव उर्मिला अरुण मडावी, तहसील साकोली, जिल्हा भंडारा। मी खिंडी बद्दल माहिती सांगत आहे। खिंडी बद्दल म्हणजे खिंडी बांधत होते सात भाऊ एक बहीण। दररोज हे खिंडी बांधत होते। ते त्यांची बहीण त्याच्यासाठी डब्बा आणत होती। ते दररोज घाट वाजवत होती। पण हे माझे दोस्तों, खिंडी का मतलब होता है, वो देख रहे हो आप उधर, वो जो पार दिख रही है, वो जो पत्थर रखे हैं उसके, वो उसको पार बोलते हैं, उसको ये खिंडी बोल रहे हैं। तो रोज वो जो सात भाई थे वो पार बांधते थे, तो उसी के बारे में बता रहे। बांधत होते तो त्याचा वाटला, त्या बहिणीचा वाटला मन का माझे भाऊ काऊन असं म्हणत आहे। तर ते आखरीच्या दिवशी ते खिंडी बांधता ते घाट तिनं वाजवलं नाही, माझे भाऊ काऊ म्हणत आहेत म्हणून। तर मग ते घाट तिनं वाजवलं नाही, डब्बा आणलं तर ते बै भावाईला ते बहीण दिसली। तर ते भाऊ सातही भाऊ कुदले। तर मग ते बहीण म्हणाली का माझेच भाऊ कुदले तर मी काय करू जिवंत राहून म्हणून। ते बहीणही कुदली म्हणून तर हा दुर्गाबाईचा डोव नाव पडला। दोस्तों, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताया है कि जब सात भाई वो पार बांध रहे थे उस साइड की, तो वो जब बांध रहे थे तो हर दिन उनका एक रेगुलर ऐसा था कि जब उनकी बहन उनके लिए खाना लेके आती थी तो वो हमेशा वो थाली बजा के आती थी कि मैं आ रही हूँ, ऐसा इन्फॉर्म करती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उसकी बहन ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया, तो इसीलिए वो बहन सोचती थी कि ये मुझे इन्फॉर्म करने के लिए क्यों बोल रहे। सो वो ऐसे ही चली गई। तो वो सारे भाई नग्न अवस्था में थे, उनकी बहन ने उनको ऐसा देख लिया, इसलिए वो सातों भाई उस पानी में डूब के कूद के मर गए। सो इसलिए तब से वो बहन ने भी सोचा कि मैं अभी अकेले रह के जिंदा क्या करूँ। तो वो सातों लोग यहाँ पे आठों लोग मर गए। तो उसके बाद से ही यहाँ पे एक शक्ति का स्रोत करके या दुर्गा माता जी का मंदिर बनाया गया और धीरे धीरे करके इसका निर्माण बनाया गया। काफ़ी अच्छा मंदिर है बड़ा जात, और इसको आगे डेवलप करने के लिए यहाँ पे मेले वगैरह का आयोजन किया गया। और ऐसा ही कुछ दुर्गा बाई के डो का कॉन्सेप्ट है। दुर्गा बाई के डो में प्रतिवर्ष नवरात्रि मेले का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें आसपास के सारे गाँव के लोग इस मेले में सम्मिलित होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर बहुत गहरा पानी है, जिसकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं पाया है। जो सामने आपको टूटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, उसी को वो सारे भाई मिलकर पानी जमा करने के लिए बांध बना रहे थे, पर उनकी आत्महत्या के बाद वह काम अधूरा रह गया और पानी उस जगह से बहने लगा, जो कि आज दिखने में काफी आकर्षित लगता है। मंदिर के निर्माण के कुछ वर्षों बाद इस डैम का निर्माण करवाया गया। इस डैम में कुल सात गेट है, जिनमें से अभी डैम के चार गेट खुले हुए हैं। ये डैम इस जगह का सबसे मुख्य आकर्षण भी है।